सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल बताएस गंजा। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं हूँ बताएस गंजा। और आज हम लोग खेलेंगे फिर से पोकेमॉन ग्लेस वर्जन, जिसमें आज हम लोग जिम जाएंगे, सेकंड जिम। अगर मैंने बहुत से तेनुस कराया है और ये वीडियो मैं बहुत दिन बाद डाल रहा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन एपिसोड 3 है और मैंने अपने पोकेमॉन्स को बहुत ट्रेनिंग भी दी है, तो मैंने उनको लेवल 30 तक पहुंचा दिया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस जैसा आप देख सकते हैं, मेरा मास्टॉम है लेवल 33 का और मॉनफर्नो लेवल 30 था और क्योगंक लेवल 30 का। तो चलिए अभी तो हम लोग पहले पूरा शहर घूमेंगे, उसके बाद जिम चैलेंज करेंगे। तो चलिए पहले शहर घूमना शुरू करते हैं। पहले हम लोग चलते हैं नेक्स्ट शहर में। तो हम लोगों को पहले यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। मैंने यहाँ से ले ली, लेकिन आपको बता देता हूँ, आपको इन कैप्टन साहब से लेनी है, तो मुझे नहीं देंगे ये क्योंकि मैं ले चुका हूँ। तो चलिए आप लोग लेकिन आएंगे तो आप लोगों को ये टिकट दे देंगे। तो चलिए आप लोग चलते हैं नेक्स्ट टाउन। तो बस आपको इधर वाले में आना है, न कि उधर वाले में। और हाँ गाइस, वो पैसे लेगा 500, ऐसे फ्री नहीं दे देगा। हाँ गाइस, मुझे बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ी थी तब जाके मैं आ पाया था कहीं लेवल 30 पे, इसीलिए मैं इतने दिनों से नहीं डाल पा रहा था वीडियो। एक मिनट, शहर का नाम क्या था, हम लोग देख लेते हैं एक मिनट। पहले ही यहाँ पे रजिस्टर कर दें, जिससे हम लोग हारे तो वापस यहीं आए। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। ओए हेलो नर्स जॉय, कैसी हैं आप? ठीक है ना? हाँ ठीक ही होंगी। क्या है, हो गया? चलो अब इस शहर का नाम क्या था, सेरेनिटी सिटी। वाओ क्या नाम है। तो हम लोग चलिए पहले धीरे धीरे पूरा शहर घूम लेते हैं। तो पहले हम लोग इस पुल पे चलते हैं जैसा आपने से। चलिए गाइस, पहले हमने यहाँ पे सबको हरा दिया था, तो आप लोगों को इनको हराना पड़ेगा। ये बहुत तगड़े प्लेयर हैं गाइस। अगर यहाँ से अगर आप आएंगे तो आप वापस अपने ग्लेन बूथ सिटी पहुँच जाएंगे, लेकिन मैं नहीं जा रहा, वरना मुझे घूम के आना पड़ेगा पूरा। तो चलिए चलते हैं यहाँ से और पूरा शहर घूमते हैं, उसके बाद जिम चैलेंज जरूर करेंगे। तो ठीक है, वेलकम टू। अच्छा उधर जाएंगे तब बोलोगे, ठीक है भैया। पहले इस घर में चेक करते हैं। ओए 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 लड़की, बात करें कि समथिंग इज फील्स इनक्रेडिबल टू जस्ट रिलैक्स इन द पूल। ओके सी यू, बाय बाय, टेक केयर। चलो 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 यहाँ चलते हैं। यहाँ पे दो लड़के हैं, किससे बात कर लेते हैं, कुछ खास नहीं कह रही गाइस। चलो वापस इसको मार जाने दो, उनका कुछ साथ खास करोगी, कुछ खास नहीं था। तो चलो अभी हटते हैं और बाहर निकलते हैं। चलो चलो चलो, अब हम लोग जाएंगे शायद, हाँ ये रहा पुल। चलो अब इधर चलते हैं। ओए पुल में बुलाएगा नहीं हम लोगों को। चलो अब इधर चलते हैं। ओ दादी अम्मा सुने रही है मत तू ब्राइट। ओह ये भी कुछ खास नहीं कह रही, कोई खास बात बताया करो यार, कोई खास बात नहीं बता तो, इसीलिए तो मेरा मन नहीं होता बात करने का, लेकिन अब कर ही रहा हूँ तो बता दो। तो सारे घर हो गए मेरे ख्याल से, और इस बड़े घर में बाद में चेकिंग कर होगी। अभी के लिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एक मिनट, इनसे भी बात कर लेते हैं ना। चलो पहले उस कीड़े वाले से बात की जाए। अरे यार मैं फिर से यहाँ क्यों आ गया। चलो यहाँ से ओए बात कर लें हमसे। अच्छा अच्छा, अरे रुक जाए एक जगह, मैं जानता था ये यही कहेगा, क्योंकि गाइस ये एक बग कैप्चर है ना। इस लड़के से आप कहते हैं द लाइट हाउस। अच्छा लाइट हाउस में एक चैलेंज है, लेकिन मुझे नहीं करना है, वही करना है। चलो वापस चलते हैं इधर से। ओए ओए हैव यू टेक द लाइट, सब उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं यार, लाइट हाउस चैलेंज के बारे में। ओए लड़की तू भी बात करेगी क्या, आई जस्ट आउट टू लॉन्ग। अच्छा अच्छी बात है। ओके हम लोग यहाँ आए तो हैं, लेकिन कुछ करने के लिए नहीं आए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। चल है, मुझे नहीं बुक कराना अपना कमरा, वापस चलो यहाँ से। चलिए गाइस वापस चलते हैं, निकलते हैं। चलिए अब हम लोगों को जिम में जाना चाहिए शायद, है ना। चलिए जिम में चलते हैं। और गाइस एक बात और बता दूँ, वो मैंने सारे टेनर्स को हरा दिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इन सबको हरा दिया है। ओके तो मुझे इस सीढ़ी से नीचे उतर के दिखा दें, यहाँ पर भी एक ट्रेनर है। मैं मास्टॉम को आगे रख लेता हूँ, वो उसके पास वाटर टाइप मूव्स हैं, इसलिए
दादूलाल हम लोग जा रहे हैं। इधर गड्ढे से आपको नीचे गिरना है, तो चलिए आप चलते हैं। ये रास्ता बहुत आसान है, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी इन सबको हराने में। तो अरे इधर चलते हैं, चलो चलो चलो, एकदम सीधा जाना है आपको यहाँ से, और इसको चैलेंज कर देना है। ओए तेरा नाम क्या है? तेरी हेलो एंड वेलकम टू द सेरेनिटी आइलैंड जिम। माई नेम इज, नेम बताना अपना, माई नेम इज तेरी द यूजर ऑफ द वंडरफुल ग्राउंड टाइप। लेट्स सी इफ यू कैन, मैं कर लूँगा तुम्हें, बस लड़ाई तो शुरू कर। मैं जानते नहीं हूँ, मैं पहला जिम हरा कर आया था जिम लीडर को। सो चल फाइट करते हैं, लेट्स फाइट। अगर मैंने स्पीड थोड़ी धीमी कर दी है, क्योंकि धीमी स्पीड में ही लड़ाई में मज़ा आता है। ओके लीडर तेरी, चल मास्टर्म जाओ। गाइस मैं मास्टर्म से वाटर गन कराऊंगा, क्योंकि ये ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, इसलिए तो किया। ओके ठीक है, जल्दी लिखते तो ही सही है। ग्लाइडर ओन मैग्नीट्यूड, मुझे थोड़ा कठिन लगता है मैग्नीट्यूड से जीतना, बट ठीक है। मास्टर्म यूज वाटर गन, ओ ये बस एक वाटर गन और लगा तो ये हार जाएगा मास्टर्म। ए सॉरी, ग्लाइडर हार जाएगा गाइस, मैंने गलत कह दिया। ओके तो जल्दी जल्दी हराते हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी कुछ कम नहीं है। ग्लाइडर हार गया। जी हाँ गाइस, हम लोगों ने ग्लाइडर को हरा दिया, यानी जिम लीडर के पहले पकवान को, जो कि है तेरी। ओके तो लीडर तेरी अब भेज रहा है वाइब्राबा को, है ना? मैं थोड़ा सही नहीं देता है, तो इससे मैं लड़ाऊंगा अपने कोगन को। और मेरे कोगन के पास दो न्यू मूव हैं, जो कि है एक है पॉइजन फैंग और एक है रिवेंज। इन दोनों अटैक के साथ ये बहुत ताकतवर हो जाता है, ठीक है ना? तो चलिए अब मैं पहले आपको पॉइजन फैंग दिखाता हूँ। ओह इसके पास एम्बर है, कोई बात नहीं, मेरे पास पॉइजन फैंग है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। अब रिवेंज यूज़ करते हैं, शायद पे असर हो जाए, लेकिन उसकी स्पीड भी तो ज़्यादा है ना। वैसे क्योगन की स्पीड सभी से कम है, सभी से नहीं मतलब जितने अब तक मैंने इनसे खेला है, मतलब जिससे ट्रेनिंग कराई उन सबसे कम थी इसकी स्पीड। ये नहीं समझ लीजिए कि सारे पोकेमॉन्स में कम है, गलत मत समझिएगा। तो अब मैं मॉनफर्नो को भेजता हूँ, फैंटी आ रहा है ना इसका, इसलिए फैंटी से लड़ने के लिए मेरा मॉनफर्नो सही रहेगा शायद। ओए आ जा फैंटी, तुझे हराएगा मेरा मॉनफर्नो, जाओ हरा देखिए यो। ओके ना मॉनफर्नो से मैं पहले मैक पंच कराता हूँ, है ना? ये सही रहेगा। हाँ पहले मैक पंच यूज़ करके देखते हैं क्या असर होता है। मुझे ज़्यादा असर तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। मैग्नीट्यूड 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को। अब हम लोग यूज़ करेंगे फ्लैम बील, ठीक है ना गाइस? चलिए फ्लैम बील यूज़ करते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। ओके लेट्स बिगिन टू फ्लैम बील। यूज़ किया मैंने फ्लैम बील, उसने रोल आउट शुरू कर दिया। तो हाँ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी रोल आउट यूज़ करने शुरू कर दिया इसलिए। चलिए हम लोग स्क्रैच से देखते हैं, कोई फर्क नहीं। तो मेरे ख्याल से तो हम लोगों को इसके ऊपर फ्लैम बेल ही यूज़ करना चाहिए। तो चलिए जल्दी जल्दी फ्लैम बेल यूज़ कर लेते हैं, है ना? अगर हार गया तो दूसरा प्रॉब्लम बुलाएंगे, तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ओके गाइस मैं फ्लैमी बिल से खेलूंगा, जिससे यह हारे या मेरा हार जाए, लेकिन बस एक फ्लैम बिल और लग जाए, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा यही हार जाएगा। एक मिनट और टिक जाता तो मज़ा आ जाता। चलो ठीक है, क्रोगन चाओ और हरा क्या ना। क्रोगन से मैं कराऊँगा कौन सा मूव यूज करूँगा, मेरा समझ नहीं आता कोई मूव। ग्राउंड टाइप के हिसाब से तो मच स्लैप तो कर नहीं सकता, तो मैं यूज़ करूँगा रिवेंज। जी हाँ गाइस, रिवेंज से ये हार जाएगा अगर बचा रोल आउट से, तो वो बच गया तो ठीक है, रिवेंज यूज़ करते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि हम लोगों को पोशंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो हमने तीनों पोकेमॉन्स को हरा दिया। हाँ यार, तो गाइस हम लोग जीत चुके हैं दूसरा जिम बैच भी, ठीक है? तो तेरे को हम लोगों ने हरा दिया है। ओके ऑर्गेनाइज देरी बैच, क्या नाम,
सही है मुझे बैच को तो बैच तीन मिला हम लोगों को, टीम 26 मिला है। इसमें क्या है क्या है टीम में अर्थ की? ओ ये अभी सिखाता हूँ मैं, मेरे ख्याल से मास तो हम सीख लेगा और पेगन, क्योंकि उन दोनों के पास क्या होता है मूव सीखने का एडवांटेज है ना। तो चलो अपने उसको सिखाते हैं क्रोगंक को, क्योंकि वो थोड़ा कमज़ोर लगता है। तो पहले वो गेम निकालते हैं, ये रही अर्थक्वेक, चलिए सिखाते हैं। ओए टीच अर्थक्वेक, हाँ देखा मैंने जैसा ही कहा था। तो क्रोगंक को सिखा देता हूँ गाइस मैं, क्रोगंक सीख जाओ भाई, और मैं तुम्हारा आता हूँ फ्रेंड तक का खिताब दूँगा तुम्हारा, मुझे फेंट रहा है, मुझे इसका कोई काम पर नहीं लगता, इसलिए फेंट अटैक हटाई दे रहा है। और अर्थ खुद सीख चुका है हमारा क्रोगंक, तो चलिए आप इनसे जल्दी जल्दी बाहर निकलें। तो आपको बाहर निकलने की कोशिश करना, बस एकदम सीधा जाना है और इस सीढ़ी पे चढ़ के बाहर निकल जाना है। तो चलिए सीढ़ी चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद आपको इधर आके निकल जाना है। देखिए गाइस हम लोग झंझीर भी चुके हैं, तो हम लोग चलते हैं पहले कोकोमॉन सेंटर जहाँ पर हम लोग हील करेंगे अपने कोकोमॉन को। ठीक है ना, थोड़ी हो जाती है, थोड़ा चिल मारो यारो। तो ठीक है गाइस चलिए जल्दी इधर चलते हैं। सर हम लोगों को वापस जाना है इधर से, नहीं वापस नहीं जाना है, मतलब इसी शहर में अभी रुकना है। ठीक है चलिए इसी शहर में अभी रुकते हैं थोड़ी देर और। तो अब हम लोगों को इस बड़ी बिल्डिंग के अंदर जाना चाहिए कि नहीं? मेरे ख्याल से तो जाना चाहिए ना, पर इस घर से बाहर निकल के मैं गलती से घुस गया था गाइस। चलिए उसी बिल्डिंग में चलते हैं और थोड़ी छानबीन करेंगे। पहले बैच देख लेते हैं कैसा है, ये कैसा बैच भाई, मुझे लगा फैंसी का होगा। चलो भाई बात करते हैं, हम लोग सीधे चलते हैं और अंदर चलते ही। तो हम लोग अभी फर्स्ट फ्लोर पर है ना, और फिफ्थ फ्लोर पर नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को चाबी चाहिए। तो हम लोग चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। हम लोग आ गए हैं फ्यूजन रिपोर्ट, एक फ्यूजन रिजोर्ट से याद आया, अच्छा टीम फ्यूजन, हाँ याद आया। दादू लाल यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, अपने घर जाओ आराम से सो, यहाँ पता नहीं कहाँ है आप टहल रहे हो फालतू। ये कौन है भाई? ओ आई कैन टॉक राइट, नहीं मुझे नहीं करना, नहीं करना नहीं करना, तुम जाओ बेदमा। चलो इसके अंदर हम लोग जा सकते हैं कि नहीं? अरे यार कितना परेशान करेगी, नहीं जा सकते। तो यहाँ चलते हैं अंदर, ये मेलेनिया यू मस्ट फ्रेंड डायना, अच्छा इसकी फ्रेंड है ऊपर, उसको हम लोगों को मिलना है, चलिए मिल लेते हैं। तो बस इसकी फ्रेंड से मिलते हैं, चलिए जल्दी से ऊपर थर्ड फ्लोर पर चलते हैं। वैसे उसकी फ्रेंड फोर्थ फ्लोर पर है, बाद में जाएंगे फोर्थ फ्लोर पे। वैसे अब हम लोग ये थर्ड फ्लोर है गाइस, तो चल लेते हैं इधर और दादू लाल से बात करने में मज़ा आ गई, क्योंकि उन्होंने कहा ये 80 साल के लिए ग्रैंड के लिए इन्हें बर्थडे इस दिया क्या, अच्छा इसलिए उन्होंने इनको बर्थडे के तौर पे भेज दिया, मस्त है वैसे है ना। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से बाहर, सेलेक्ट द फ्लोर, सेलेक्ट कर लिया हम लोग, जाना पड़ेगा फोर्थ फ्लोर पे। वही इसके अंदर घुसते हैं गाइस हम लोग, चलिए कोई तो है ये डायना जो भी हो, मुझे मतलब अगर इस थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, वो जरा जरा रुकेगा आप लोग उसकी परवाह मत कीजिए। तो ठीक है ना, तो चलिए इधर चलते हैं अब और इससे बात कर लेते हैं। मैजिका फ्लिप ब्लेड नहीं चाहिए और स्टील कौन ना नहीं चाहिए मुझे। हेलो वेलकम टू द फ्यूजन ट्यूटोरिंग सर्विस, आई कैन टीच एनी स्कोर में नहीं, मुझे निशाना बेकार होता है, नहीं खाना नहीं खाना, क्योंकि ये मूव बेकार होता है भाई। वाह लीव ब्लेड, इसके पास कौन सा मूव होगा? लीव ब्लेड, लेकिन कोई सीख नहीं पाएगा।
इतना नहीं सिखाना, चलो बाहर निकलते हैं गाइस, क्योंकि हम लोगों ने सारे फ्लोर तो कर लिए हैं और अब हम लोगों को नीचे चलना चाहिए वापस, है ना। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। एग्जिट गलती स्किल्स कर दिया गाइस मैंने, फर्स्ट फ्लोर पर चलना है हम लोगों को। तो चलिए चलते हैं टीम फ्यूजन रिजॉर्ट, मस्त रिजॉर्ट है जिसमें लोग, चलिए बात कर लेते हैं लोगों से पहले थोड़ी सी। वेलकम टू द फ्यूजन रिजॉर्ट, डू यू नो 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 अंतर विद सॉरी। अच्छा तुम्हारे पास रूम नहीं है, हम लेकिन रुकना चाहते हैं तुम्हारे रूम में, लेकिन तुम्हारे पास कोई रूम नहीं है। मिस डियाना नीड्स हर मील, ऑफ कोर्स रिसीव डियाना मेल। अच्छा मैंने तो मेल को देखा, सही क्या मेल देते हैं टाइम तो होने वाला है, लेकिन अभी नहीं बंद करेंगे, एक बार हम लोग लाइट हाउस में चल के देखते हैं। इससे पहले हम लोग अपनी शिप के पास छोड़ के देखते हैं, शायद कुछ हो गया हो शिप के पास। तो चलिए चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग की जाए, थोड़ी थोड़ी कर लेता हूँ। पड़ी हुई सिक्स पोटी वाली नहीं चाहिए, बहुत पड़े हैं तो मैं नहीं लूंगा एंटीडोट्स, पैरालाइज हील एक ले लेते हैं। ओके गाइस एक पैरालाइज हील लेते हैं, और मेरे ख्याल से वीडियो बहुत देर की हो चुकी है तो बंद करने वाले हैं। एक मिनट, ये क्या रिवाइव है? अरे यार हमें तो रिवाइव इस गेम में शुरुआत से मिल रहा है। ले लेते हैं दो, ले लिए सुपर रिफिल थोड़े ले लेते हैं। हो सकता है हम लोगों को कैप्स में जाना पड़े तो रिफिल की जरूरत पड़ेगी, और थोड़ा सा और घूम के वीडियो को बंद करते हैं। चलिए एक बार हम लोग उस लाइट हाउस में चलते हैं, चलिए लाइट हाउस में चलते हैं। सो लेट्स गो, लेकिन पहले इधर हम लोग चेक करेंगे तो है क्या कुछ हम लोगों के लिए, अगर हो तो हम लोग लाइट हाउस में ना जाए। लेकिन मुझे वापस चलना है यहाँ से, इससे बात करते हैं, अगर वो वापस कहीं ले जाए तो हम लोग उसके साथ चले वरना लाइट हाउस में, तो उसे म्यूजिक भी नहीं जाना, नहीं जाना नहीं। उसके बाद मैं रुक जाऊंगा जो मतलब वहाँ पे परफॉर्मेंस सेंटर जाके ये करके रुक जाऊंगा बस। तो चलिए देखते हैं पहला कैसे होता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ओ यही जब ऐसे हर हर ग्राउंड पे होते हैं चैलेंज तो कभी नहीं। इसको मत सोच सेंटर में चलते हैं, वहाँ हील करेंगे। सो लेट्स गो, लाइक किंग। अच्छा इंड कर दिया हम लोगों ने, पता है लेकिन एक को तो हरा देना, चलो ठीक है।
पर एक बात बता दूंगा इस आपको कि वो दोबारा लड़ेगा हमसे क्योंकि एक चैलेंज है इसलिए। तो अब चलिए सेव करते हैं, चलिए जल्दी सेव कर लेते हैं, उसके बाद मैं बोलूँगा अपना फेवरेट डायलॉग, फिर बनूंगा वीडियो। ठीक है, यहाँ पे सेव हो चुका है। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।